हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स और स्पेशली उनकी थॉट्स, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ें क्या बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई मीन एवरीथिंग योर पर्सनस लाइफ, सब कुछ आपके पर्सन के मुतालिक, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी एक्टिविटीज़, उनका प्रिडिक्टेड या पॉसिबल एक्शन, तमाम चीज़ें इसमें जानने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे पता चल सके। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। कुछ लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि मेरी रीडिंग्स जो हैं वो बहुत डिले हो रही हैं, तो वो डिले नहीं हो रही होती। मैं जब अपने सेकेंड चैनल पर हाई प्रीस्टेस 777 पर जब 2 से 3 वीडियोज़ एक साथ अपलोड कर देती हूँ, तो मैं वहाँ से ऑडियंस का माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए यहाँ पर रीडिंग जो है वो लेट अपलोड करती हूँ। तो कल मैंने वहाँ पर रीडिंग्स अपलोड की थी, और अगर आप लोग उस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो मिस हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी रीडिंग्स जो हैं जो मैं वहाँ पर बहुत, क्योंकि वहाँ पर मैं रीडिंग्स वो करती हूँ जो लोग मुझे वहाँ के कमेंट्स में लिखते हैं कि आप इस पर रीडिंग करें, तो मैं वही रीडिंग कर रही होती हूँ, तो वो कस्टमाइज टॉपिक्स होते हैं। तो आप जो है वो, अगर जो लोग कह रहे हैं कि रीडिंग डिले हो रही, वो रीडिंग डिले नहीं हो रही, मैं टाइम को देखती हूँ कि एक साथ मैं इतना सारा कंटेंट दे दूँ तो वो भी मुनासिब नहीं है, और एक ही पर्सन 5-6 रीडिंग्स कैसे देख सकता है। देर शुड बी मैक्सिमम 2 रीडिंग्स जो हैं वो टाइम पर देखनी चाहिए, तो वरना तो जाहिर बात है फिर आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते रहते हैं। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम आप 2 से 3 से ज़्यादा तो आप करते ही मत देखें, ठीक है? तो रीडिंग्स डिले नहीं हो रही जनाब। आप सेकंड चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी टाइमली रीडिंग्स अपलोड होती हैं, यहाँ पर भी टाइमली रीडिंग्स अपलोड होती हैं, ठीक है? तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। एस ऑफ सोर्ड्स, आज मैसेज ऑफ द डे में भी एस ऑफ सोर्ड्स की ओवरऑल एनर्जी आई है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द मैजिशियन, ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आपके पर्सन की एनर्जी में एक फैसला, एक क्लैरिटी, स्पेशली वो फैसला जो उनकी ज़िंदगी की खुशियों से रिलेटेड है, और आपके पर्सन जो है कोई ऐसा डिसीजन ऐसी क्लैरिटी में है कि जैसे अब मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना, एक चीज़। दूसरा, आपके पर्सन ने कोई रिसेंटली कुछ ना कुछ अचीव किया है जो ये बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का प्रमोशन, जॉब, टाइटल, इमिग्रेशन, एनीथिंग। पेंटिकल से रिलेटेड है समथिंग अबाउट मनी, हो सकता है बोनस, टारगेट, कोई पेमेंट मैं इतना वो क्यों कर रही हूँ, अटक क्यों रही हूँ, कोई पेमेंट रुकी हुई हो वो मिल गई हो और उन्होंने उसके लिए बहुत पेशेंटली वेट किया है। दूसरा, इस वक्त बहुत खुश हैं आपके पर्सन, इस वक्त लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। विद द मैजिशियन कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कंप्लीशन हुई है, पावर की, अथॉरिटी की, किसी ऐसी पोजिशन की जो वो बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, और अब उनको बहुत क्लैरिटी है कि अगर मुझे इसमें कोई एक आध हल्का फुल्का कोई लूप होल नज़र भी आता है तो अब मैं उन चीज़ों के ऊपर पूरा अपना फोकस करूं, बिकॉज इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। विद द 9 ऑफ कप्स, दे आर वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जैसे इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश, जिसको कहना चाहिए ना, विश लिस्ट में से सबसे टॉप मोस्ट जो विश लिस्ट है वो इनकी पूरी हुई है, और ये इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे थे। इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के हर चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश की थी, और उसके मद में डेफिनेटली ये इनका वेट है, इनका इंतज़ार है जिसने इनको ये पे बैक किया है, और बहुत तहम्मुल से, बहुत पेशेंटली इन्होंने वेट किया, सबको अपने साथ इंतज़ार भी करवाया, बट आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन।
लवर्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में इन्होंने कोई रिश्ते को मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई चीज़ जो है ना वो ली है। कहते हैं ना कि जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, FD, फिक्स डिपॉजिट, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आफ्टर मेनी ईयर्स काम आ सकती है, जैसे लोग सेविंग्स के लिए गोल्ड लेते हैं, और ये लवर्स के फौरन बाद आ रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में जो डिसीजन नज़र आ रहा है वो ये भी हो सकता है कि नाउ आई विल बी गिविंग मोर, मैंने बहुत पेशेंटली वेट किया, मेरी पोजिशन ऐसी नहीं थी, अब मेरी बारी है कि मैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करूं, बिकॉज इसने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ये भी एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अदरवाइज आपके पर्सन आपको लिटरली कुछ ऑफर करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ समथिंग टेंजिबल, कोई गिफ्ट आइटम या कोई ऐसी चीज़ जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगी। ऐसा नहीं कि कोई लॉन का जोड़ा दे दिया आपने पहना और फट गया वो, नहीं, कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज़ दे रहे हैं जो कि सालों साल चल सकती है। और इसलिए भी बिकॉज ये बहुत ना बड़ी मुश्किल से ही किसी को कुछ देते हैं, कंजूस हैं बहुत ज़्यादा, और इनको लग रहा है कि जैसे मेरा बोलना, मेरा कन्फेस करना, मेरा एडमिट कर लेना रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो मुझे पाबंद कर देगा। तो इन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर रखा हुआ तो है, लेकिन ये मोमेंट्स को तो इन्जॉय करते हैं, फैंटेसीज़ को, इंटिमेसीज़ को तो बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ कमिटमेंट करने की बारी आती है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन इनका प्लान कुछ ना कुछ है, बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि लवर्स के कार्ड के बाद ये फोर ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये सेव करके इसके पास है। वो कहते हैं ना बिल्कुल आखिर में मैं अपने ये कार्ड्स निकालूंगा ताकि सिचुएशन को संभाल सकूँ। तो ऐसी इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, रिजर्व हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हरकत और सपनात में बिल्कुल सही हैं। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। टावर मोमेंट, और राइट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द स्टार कार्ड। आपके पर्सन ने बहुत मेहनत की है जो मुझे नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लोगों के ज़रिए बहुत सारा हार्ड टाइम देखा है। जब इनका फाइनेंशियली बुरा वक्त चल रहा था तो इन्होंने लिटरली लोगों के असल फेसेस देखे हैं, और जो नहीं बदला वो आपका रिश्ता नहीं बदला। इसीलिए ये कुछ कुछ आपको लेकर भी थोड़े से ना पजल्ड हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने, बाकी लोगों ने मेरे साथ जो भी ट्रीटमेंट किया, अगर इसने भी यही किया होता तो मुझे इसको भी डील करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता। इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हुआ है किसी ऐसे इंसान के साथ जिस, जो इनकी विश फुलफिलमेंट है, जिस चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई लड़ाई, कोई बदमजगी, कोई आर्ग्यूमेंट इनका रिजॉल्व भी हुआ है किसी ऐसे इंसान के साथ जो इनको या तो छोड़ गया था बड़े बुरे वक्त में, या फिर ये उसको छोड़ गए थे बहुत बुरे वक्त में। और वो सारा काम जो है ना पैसों का है, बिकॉज जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है वो यही वाली बात है कि इन्होंने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार किया वो चीज़ जब फाइनली हो गई है ना, तो उनको लग रहा है कि अब मैं सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लूँगा। विद द स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक कि इनको ब्रेक मिला है अपने काम में, इनको प्रमोशन मिली है अपने काम में, और अब इनको लग रहा है कि सारी जंग जो थी वो पेंटिकल्स यानी पैसों ही की तो थी, सारी जंग जो थी वो पोजिशन की और डेब्ट्स की थी। तो जब वही चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि विद द स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक कि जैसे बहुत दिन दिए हैं, बहुत सब्र किया है, और मुश्किल से ये सब्र, ये वक्त गुजरा है, तो इसमें थकावट भी हुई है, उलझन भी हुई है, परेशानी भी हुई है, बहुत कुछ इसके अंदर हुआ है। तो इन द सेम वे आपके पर्सन जो हैं वो अपने आप को फिक्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं, डिटर्मिंड नज़र आ रहे हैं कि आपके अपनी ज़िंदगी के हुए हुए तमाम मामलात को सही कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन कंजूस हैं, इसमें कोई शक नहीं, कंजूस बिल्कुल हैं, बिकॉज कंजूस होना भी बनता है। जो इन्होंने बुरा वक्त देखा है, उस बुरे वक्त में लग रहा है कि जैसे इनको ऐसे वक्तों में सबने अपनों ने छोड़ा जब इनको सबसे ज़्यादा सबकी ज़रूरत थी। तो फेयर इनफ, अगर ऐसा है तो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी हमने यहाँ से चेक कर ली। अब हम आपके पर्सन की लाइफ को चेक करते हैं, लेट्स सी उनकी एक्टिविटीज़ चेक करते हैं।
प्लीज गिव मी मोर मैसेजेस. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. लीगल इश्यूज हो गया मामला, कोर्ट, जज, इमिग्रेशन, लॉयर्स एक्सेट्रा. मैंने कहा था ना, जिस चीज़ का उन्होंने बहुत पेशेंटली वेट किया है वो उसमें पैसे का लेन देन है. तो कोई लीगल मैटर ज़रूर हो सकता है और इस लीगल मैटर में यकीनन इनके हक में फैसला हुआ है, और हो सकता है इनका कोई कंसल्टेंसी में कोई केस फंसा हुआ हो, इनको ट्रैवलिंग का ऑप्शन मिल गया हो, जो भी है समथिंग. बहुत ही सिंक्रनाइज मैसेज आया है विच इज़ अ बिग साइन. Caught a case, sexual infection, okay, sexual disease, rash, etc. डॉक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन, और डॉक्टर होने में इन्होंने कोई केस ऐसा पकड़ा हो जो कि लीगली हैंडल करना हो, जैसे रेप के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, सेक्शुअल अब्यूज के केसेस होते हैं, जिसमें इन्होंने किसी ऐसे पेशेंट को डील किया हो, उसकी रिपोर्ट बनाई हो, या आप कहीं ऐसी वेलफेयर में काम करते हो जहाँ पर आप लोग के पास एक ऐसी फाइल आई हो जहाँ पर आप लोग इस केस को स्टडी कर रहे हो, और इसका मैटर, इसका जो लिंक हो वो एक लीगल मैटर से हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से हो, या फिर आपके पर्सन को खुद लिटरली कोई इन्फेक्शन हो सकता है वाइल हैविंग सेक्स. ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, स्किन डिजीज हो जाती है, हीट वेव इतना, हीट स्ट्रोक इतना सिवेयर चल रहा है कि स्किन रैशेज वैसे ही हो जाते हैं, बट दे आर टेकिंग सर्टन पिल्स. अदरवाइज ये किसी इससे रिलेटेड मैटर भी हो सकता है. ठीक है, बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज ये डेक बहुत ही यूनिक है. डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, स्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स. यहाँ स्टार कार्ड से नज़र भी आ रहा था कि इनके ऊपर कोई भी अगर कोई इनके कैरेक्टर पे अटैक कर रहा है, इनके काम पे अटैक कर रहा है, तो इनको अब वो काम की क्लैरिटी जो है ना, ये डिसीजन की क्लैरिटी बिल्कुल साफ शो कर रही है कि अब इनको इन डाउट्स में नहीं रहना, और ये उन लोगों के साथ नहीं उठना बैठना चाहते जो इन लोगों को पॉजिटिव नहीं रखते. और विद द स्टार कार्ड इनको नज़र आ गए बहुत सारे लोगों के ट्रू फेसेस, तो ये ब्लॉक करना चाहते हैं बावले लोगों से, पागल लोगों से ये दूर रहना चाहते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये इनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है. प्लेइंग आउट, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कॉम्पिटिशन में किसी में इनरोल हुए हुए होंगे, कोई विद इन जिसे कहते हैं ना अपनी कंपनीज़ के लिए भी लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, क्रिकेट हो रहा होता है बैंक्स की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, तो हो सकता है कि ये एथलीट हो, एथलेटिक हो, इनको एथलेटिक एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हो, रनिंग बहुत ज़्यादा करते हो, अगर एक्सरसाइज जिमिंग करते हैं तो खाली खाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ करते हो. अदरवाइज प्लेड आउट, इनको किसी काम से थोड़ा सा निकाला भी गया है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें, आप अभी ये कर लें, क्योंकि इनका कोई ना कोई कॉम्पिटिशन था जिसकी वजह से ये शायद उसको नहीं कर सके, प्लेड आउट हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें कि अभी नहीं कर सकते, फिट नहीं फील कर रहे, कुछ ऐसा भी होगा. खातून हो या मर्द, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी. लेट सी मोर आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, रिवील मोर बैड हैबिट्स. ओके, ड्रग्स एडिक्शन एंड टॉक्सिसिटीज़, या तो इनको किसी ने, ये जो ब्लॉकिंग नेगेटिविटीज़ आई है ना, इनको किसी ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है. और ये जो हीलिंग का कार्ड आया है पीछे, क्योंकि हर कार्ड हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिल रही है, इनको लिटरली किसी ने डिस्ट्रैक्ट किया है और बुरी आदतों में लाने की कोशिश की है. अगर ये स्टेरॉइड्स लेते थे स्पोर्ट्स एथलीट होने की वजह से, तो वो शायद केस लीगल इशू इनका रिजॉल्व हुआ है, या इनके पास से कोई ऐसी वेपिंग या कोई ऐसा लाइटर या कोई ऐसा कोकेन सॉर्ट ऑफ आइटम मिला है जो कि लीगली अलाउ नहीं है, और उसको डील करने के लिए इनको बहुत ज़रूरत है. और प्लस ये ऐसी एडिक्शंस को भी छोड़ना चाह रहे हैं जो बिला वजह में इनको अपने काम पे फोकस करने में मसला करती हैं. क्रिएटिविटी, स्टील योर आइडियाज़, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स, फीड्स ऑफ फॉर यू. आप लोग कुलीग हो सकते हैं, तो हो सकता है कुलीग होते हुए ये आपके सुपीरियर हों, आपके सुपरवाइज़र हों, आपके सीईओ हों, और आप जब ये आपको कोई टास्क देते होंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अच्छे आइडियाज़ के साथ आते होंगे, तो ये वो आइडियाज़ स्नैच कर लेते होंगे और आपका काम कॉपी करते होंगे. इनको इस बात से बहुत उलझन भी होती होगी कि इनके साथ भी यही हुआ है, सो द शो मस्ट गो ऑन वाली बात, कि मेरे साथ ऐसा. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ ना, मैं अगले के साथ नहीं होने दूंगा. लोग कहते हैं नहीं, सीखने का तजुर्बा तो ऐसे ही, तजुर्बा ऐसे ही मिलता है, मेरे साथ ये हुआ तो इनके साथ भी यही हो, ताकि इनको भी लेसन मिले. कोई बैरियर को तोड़ता नहीं है. तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये या तो ख़ुद भी ऐसे बन गए हैं, या इनका ये बैड एक्सपीरियंस है कि लोग इनके साथ बहुत हद तक ये करते आए हैं.
एंशिएंट, ये एंशिएंट भी है और एंशिएंट भी है. फोकस इनका डिस्ट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है. और इनको अपना किया हुआ काम, अपनी की भी गलती गलती नहीं लग रही. कोई इनको कह भी रहा होगा भाई तुमने ये चीज़ ज़रा गलत कर दी है, तो इनको लग रहा होगा कि मैंने बिल्कुल सही किया है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं. तो थोड़ा सा एक एरोगेंस भी नज़र आ रही है. ये आपके या आप इनके या इनके पास्ट में कोई ना कोई कनेक्शन बहुत ऐसा रहा है, या तो ये किसी के बहुत ऑब्सेसिव लवर थे, या इनका कोई ऐसा ऑब्सेसिव लवर था जो कि इस लेवल का डेंजरस और टॉक्सिक हो गया था कि उसमें सिर्फ शिकायतें, चेक एंड बैलेंस, स्टॉकिंग, ये तमाम चीज़ें रह गई थी. और इस हद तक पजेसिवनेस थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता होगा. और इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया जिसकी वजह से ये इनको कार्मिक पार्टनर मिला. नो आइडिया कि अगर ये इस चीज़ से निकल सके हैं या नहीं, बट दिस थिंग हैड हैपेंड. ठीक है, तो चलिए आपके पर्सन की इमोशनल सिचुएशन चेक करते हैं. यहाँ से पता चल गया करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. अबंडेंस, पैसा पहले ही मैंने बता दिया था. मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड, ब्लेस ब्लेसिंग्स, कोई चीज़ अच्छी आ रही है आपके पर्सन की लाइफ में, विच इज़ अ गुड साइन. पैसा आ रहा है, बिटकॉइन वगैरह, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह की होगी. सॉरी जस्ट अ सेकेंड. एंड बैकस्टैबिंग, ये कार्मिक रिलेशनशिप से निकले हैं, या तो इन्होंने लिटरली रिलेशनशिप को तोड़ा है और इनको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, सब कुछ छोड़ो, सेपरेट हो जाओ, लॉस मिलता है तो मिले पैशन. इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर. न्यू पार्टनरशिप में आ रहे हैं, आप इनके न्यू पार्टनर हैं या कोई और, लेकिन ये अब फुल डिटर्मिंड हैं कि ये अपनी लाइफ को चेंज करेंगे. सेपरेशन, यस, ये निकल रहे हैं किसी चीज़ से, रिश्ता ख़त्म हो रहा है इनका, लीगल इशूज़ में हो सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो. ये निकल रहे हैं और सेपरेशन में आप नज़र आ रहे हैं, बिकॉज मिसिंग यू की बात आई है. तो आपसे इन्होंने सेपरेशन की है, आपसे थोड़े देर के लिए ब्रेक लिया है, और इनको लग रहा है कि पहले मैं अपनी तमाम चीज़ें फ़िक्स कर लूँ, और फ़िक्स करने के बाद जब मुझे लगे कि मैं री एनर्जाइज हो गया हूँ, जब मैं दोबारा से री ट्रैक पर आ गया हूँ डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय, तो मुझे लगेगा कि मैं इस फेज को ख़त्म कर दूँ. तो आपके पर्सन की लाइफ की बहुत सारे उनके पर्सनालिटी शेड्स और उनके सोशल सर्कल के शेड्स जो हैं वो इस रीडिंग में नज़र आए हैं. मे बी डेक्स न्यू हैं इस वजह से भी, लेकिन बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में हो रही होती हैं, आपके पर्सन की लाइफ की भी बहुत ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दे आर गोइंग, दे हैव बीन थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज, लेकिन अब उनकी पोजिशन बेटर है बिकॉज ऊपर ये चीज़ें पता चल गई थी, और उस वो किन किन चीज़ों की वजह से हुआ वो तमाम चीज़ें यहाँ पर साथ में नज़र आ रही है. तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.